यंगस्टर्स आजकल फिटनेस की ओर काफी ध्यान देते हैं ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके। आज के समय में अधिकतर लोग केवल अपने बाइसेप्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ट्राइसेप्स पर नहीं, जबकि ट्राइसेप्स से ही आपकी भुजाओं को शेप मिलता है और वे अट्रैक्टिव भी लगती हैं। बताना चाहूंगा कि किसी भी मसल्स को डेवलप करने के लिए उस खास मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है ताकि उस मसल्स पर ज्यादा लोड आ सके और वो ग्रोथ कर सके। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूं, जिन्हें अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करके आप हैवी और शेप्ड आर्म्स पा सकेंगे। हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए फिटनेस वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्राइसेप्स ब्रोची ह्यूमन बॉडी में ऊपरी हाथ में पीछे के मसल्स को कहते हैं। ट्राइसेप्स कंधे और कोहनी के बीच ह्यूमस ऊपरी बांह की मुख्य हड्डी के साथ होता है। बाइसेप्स केवल 2 मसल्स यानी आउटर हेड और इनर हेड से मिलकर बनता है, जबकि ट्राइसेप्स 3 मेजर मसल्स लेटरल हेड, मिडिल हेड और लॉन्ग हेड से मिलकर बना होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ट्राइसेप्स हाथ का सबसे बड़ा मसल्स होता है और हाथ का लगभग 60% भाग ट्राइसेप्स ही होता है। यह आपके कोहनी के ऊपर होता है। अच्छे ट्राइसेप्स को बनाने के लिए आपको उसके तीनों भागों को ट्रेन करना जरूरी होता है, नहीं तो आप अच्छे ट्राइसेप्स नहीं बना पाएंगे। चलिए अब आपको एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। नंबर 1, क्लोज ग्रिप इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। हालांकि यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, लेकिन यह इस समय मुख्य रूप से आपके ट्राइसेप्स को हिट करेगा। इंक्लाइन बेंच प्रेस में पास वाली ग्रिप से आपके चेस्ट की अपेक्षा आपके ट्राइसेप्स पर ज्यादा लोड आता है। बेंच को ऊपर की ओर इंक्लाइन पोजीशन में लाने से आपके चेस्ट मसल्स आपके ट्राइसेप्स पर ज्यादा लोड डालेंगे और आपको भी ऐसा ही करना है, जिससे आपको ट्राइसेप्स बनाने में काफी मदद मिलेगी और वे जल्दी ग्रोथ करेंगे। सेट और रेप सजेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। नंबर 2, सिंगल आर्म ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन। केबल पुश डाउन ट्राइसेप्स ट्रेनिंग की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन पुश डाउन के वेरिएशन जैसे स्ट्रेट बार, वी बार, रोप आदि कोहनी में लचीलापन नहीं लाती हैं, जितना कि रोप से आता है। ट्राइसेप्स पुश डाउन एक्सरसाइज में एल्बो एक्सटेंशन, फ्लेक्सन के साथ कंधे भी शामिल हैं, जो इस एक्सरसाइज को और भी बेहतर बनाता है, जिसे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 3, टॉवल पुलअप्स। अपर बैक और ट्रैपेजियस मसल्स के लिए टॉवल पुलअप एक अच्छी एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज कोहनी के लचीलेपन से फुल रेंज के साथ की जाती है। इससे आपके ट्राइसेप्स पर पूरा लोड आता है। यदि टॉवल हैंग करने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप क्रॉसफिट हैंगिंग रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, सिंगल आर्म केवल ओवरहेड एक्सटेंशन। यह एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप्स के साइज को बढ़ाती है। केबल के साथ एक्सरसाइज करने का ये फायदा है कि ये पूरी तरह से आपके मसल्स पर लोड डालता है, जो कि डंबेल से कुछ हद तक कम होता है। इस एक्सरसाइज को सिंगल हाथ से करने से रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और आपके मसल्स में लोड बढ़ने लगता है। नंबर 5, बेंच डिप्स। ये ट्राइसेप्स के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको फुल मोशन के साथ ट्राइसेप्स को ट्रेन करना होता है। बेंच डिप्स लगाने के लिए आपको एक फ्लैट बेंच की आवश्यकता होती है। आपको बेंच पर अपने हाथों की सहायता से फोटो में दिखाए मुताबिक बैठना है और पैरों को सामने की ओर फैलाना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है और फिर पूरा ऊपर तक आना है। आप इस एक्सरसाइज में अपने पैरों पर अपनी क्षमता के मुताबिक वेट भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन वर्कआउट को फॉलो करके आप एक अच्छा और बड़ा ट्राइसेप्स पा सकते हो। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।